एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व ही नहीं हुई। दरअसल 10 अक्टूबर 1931 के लिए अमेरिका ने एक विमान तैयार किया जिसका नाम रखा गया यूएसएस एक्रन। एंड इस अमेरिकी विमान को वहां हो रही फुटबॉल मैच की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान स्टेडियम के चारों ओर चक्कर लगाना था, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग दूरबीन लेकर एयरप्लेन को आकाश में निहार रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां बैठे लोगों ने देखा कि एयरप्लेन में आग लग चुकी है और वो क्रैश होकर नीचे की साइड गिरता ही जा रहा है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस जगह प्लेन को क्रैश होते हुए देखा गया था वहां का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन प्लेन के मलबे के नामो निशान तक नहीं मिले। इसके तुरंत ही बाद जहां से प्लेन ने उड़ान भरी थी वहां के अधिकारियों से पूछा गया तो पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के कारण यूएसएस एक्रन ने तो वहां से उड़ान भरी ही नहीं और वो वहां वैसा की वैसा ही खड़ा है। फिर वो क्या था जिस जहाज को इतने सारे लोगों ने अपनी आंखों से क्रैश होते हुए देखा? आखिर वो कौन सा जहाज था? और अगर सच में कोई जहाज वहां गिरा तो उसका सारा मलबा कहां गया? ये सारे के सारे सवाल आज भी एक अनसॉल्वड मिस्ट्री बने हुए।